दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत रिग मॉर्गन से होती है, जो कि अपनी कार में रेडियो सुनते हुए एक बस के सामने आता है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था। रिग ने रुककर ये देखा कि उसमें कोई घायल इंसान है या नहीं, जहां पर उसे सबसे आगे की राइट सीट पर एक लाश मिलती है। रिग उसे घसीट कर बाहर लेकर आता है और अपनी गाड़ी की डिक्की में रख लेता है। तब हमें ये पता चलता है कि रेग खून और हड्डियों के फर्टिलाइजर की कंपनी चलाता है और उस लाश को भी वो वही इस्तेमाल करने वाला था। फिर अगले सीन में हम एक आदमी वेस्ली और औरत सोफी को दिखते हैं, जो कि एंजॉय कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद में सोफी बोर होती है तो दोनों बाहर आ जाते हैं। वे एक एक्सीडेंट की जगह पहुंचते हैं जहां पर लोगों की जगह उनकी तस्वीरें रखी हुई थी, और वे दोनों एक बूढ़ी औरत के उनके पास आते ही वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सीन जेम्स पर आता है, जो कि सोफी का बॉयफ्रेंड है। वो एक कार सुधार रहा था और तभी वहां पर सोफी और विस्ली आते हैं। जेम्स ने कुछ देर के लिए कार को ठंडा होने के लिए छोड़ने को कहा, लेकिन विस्ली ने तब भी उसे घूमने के लिए कहा, जिसके कारण कार दोबारा बंद हो जाती है। तभी जेम्स को एक बूढ़ी औरत कार से जाती हुई दिखती है, तो उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो औरत नहीं रुकती। और इसके बाद तीनों पैदल आगे बढ़ने का सोचते हैं, पर तभी उन्हें रेग और उसका ट्रक दिखाई देता है, जिसमें रेग ने लाश रखी हुई थी। तीनों ने मिलकर रेग को आवाज लगाई और वो रुक भी गया, जिस पर उन्होंने रेग से लिफ्ट मांगी, पर रेग मना करके वहां से चला गया। रेग ने फिर अपना माइंड चेंज किया और वापस उन्हें लिफ्ट देने के लिए आ गया। उसने उन्हें कुछ देर बाहर रोका और लाश छुपाने पीछे चला गया, जहां पर उसने लाश कुछ फर्टिलाइजर के पीछे रख दी थी। अब हम देखते हैं कि सोफी रेग के साथ आगे बढ़ गई थी और विस्ली ट्रक में ड्रग्स लेने के लिए आया था। रेग और सोफी की आपस में पहचान होने लगी थी, जहां पर रेग ने उसे अपने करियर के बारे में बताया और सोफी ने कहा कि वो छोटे शहर से आई है। सोफी ने यह भी बताया कि कैसे वो अच्छी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश कर रही है, मगर उससे अक्सर गलतियां हो जाया करती है। और यहाँ पर जेम्स ने पीछे विस्ली को बताया कि वो सोफी को प्रपोज करने वाला है, और जेम्स ने उसे वो रिंग दिखाई जो कि वो सोफी को देना चाहता था। फिर बातें करते करते जेम्स को वो लाश मिल गई जो कि रेग ने छुपाई थी, जिस पर विस्ली उसे उन टॉर्चर्स के बारे में बताने लग गया था जो कि रेग उनके साथ में करेगा। जेम्स अब किसी भी हाल में रेग से गाड़ी रुकवाना चाहता था। दोनों ने गाड़ी ठोकना शुरू कर दी थी ताकि रेग उसे रोक दे, मगर रेग नहीं मानता। लेकिन फिर सोफी ने रेग से गाड़ी रोककर दोनों को थोड़ी सांस लेने को कहा। रेग उतरकर ऐसा दिखाने लगा जैसे कि वो दोनों लड़कों तक हवा जाने दे रहा है, लेकिन वो जल्दी ही वापस ट्रक में आ गया था। फिर नेक्स्ट सीन में रेग के भाई लिंडसे को चार्ली का फोन आता है, जो कि चिल्ला रहा था कि उसकी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है। लिंडसे ने बताया कि रेग अभी तक डिलीवरी लेकर वापस नहीं आया है, लेकिन वो उसे जल्दी कॉल बैक करेगा, क्योंकि लिंडसे को रेग का ट्रक दिखाई दे गया था। रेग ने वहां आकर गाड़ी रोकी और सोफी को अंदर ले जाने की कोशिश करने लग गया, लेकिन सोफी चाहती थी कि पहले वो दोनों लड़कों को बाहर आने दे। और इतने में रेग ने सोफी को ले जाकर उसे एक रूम में बंद कर दिया। उसने फिर लिंडसे को आकर उन तीनों के बारे में बताया और कहा कि वो उन तीनों को उनके नए फर्टिलाइजर में इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंडसे इससे रेग से नाराज हो गया, क्योंकि उसने बिना लिंडसे को बताए ऐसा कुछ किया और वो पकड़ा जा सकता था। पर रेग ने बताया कि एक्सीडेंट में मिली बॉडीज पर कई एक्सपेरिमेंट ने ही उन्हें उनका नंबर और कस्टमर दिया है, तो अब अगर उन्होंने नया फर्टिलाइजर बिना इंसानों के बनाया तो वे अपने कस्टमर को खो देंगे। लिंडसे भी इस बात को मान गया और दोनों अपने नए बंदियों के पास आ गए। फिर जेम्स और विस्ली ने रेग और लिंडसे पर हमला करके भागने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो गए और रेग और लिंडसे ने तीनों को अपने शेड में बांध दिया। फिर कुछ देर के बाद में लिंडसे रेग को ले जाकर बाहर बात करने में आ गया था और चिल्लाने लगा था। उसने आगे कहा कि एक्सीडेंट में मिली लाश वो अपने नए फर्टिलाइजर में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर विस्ली ने अपनी रस्सी काटने की कोशिश की, लेकिन इतने में दोनों भाई अंदर आकर अपने नए फर्टिलाइजर पर काम करने लग गए थे, और विस्ली और जेम्स अभी भी अपने आप को आजाद करने की कोशिश में थे। रेग ने देखा कि जिसे वो अपने एक्सपेरिमेंट में लेंगे वो अभी भी जिंदा है, मगर लिंडसे को कोई फर्क नहीं पड़ा था और वो अपना काम करता रहा, जिससे कि रेग भी हैरान रह गया था। लिंडसे ने आखिर में बना फर्टिलाइजर टेस्ट किया और देखा कि उसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा है, जिस पर रेग ने उसे सुझाव दिया कि उन्हें इस फर्टिलाइजर को उनके पुराने फर्टिलाइजर से मिला देना चाहिए ताकि चार्ली और नाराज न हो। पर लिंडसे ने कहा कि उन्हें बस एक इंसान और चाहिए जिससे कि फर्टिलाइजर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उन्होंने जेम्स को इसके लिए चुना, और इतने में विस्ली ने अपने आप को छुड़ाया और रेग का ट्रक लेकर वहां से भाग निकला, तो लिंडसे खुद अपनी कार से विस्ली का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। फिर अगले सीन में रेग ने अपनी आंटी नैन्सी को फोन किया और कहा
कि वो दोबारा काम पर आना चाहता है। और फिर अंदर सोफी रेक से बात करके उसे फंसाने की कोशिश करने में लग गई थी, जिससे कि उसे रेक के साथ कुछ टाइम अकेले में मिल जाए। और सोफी और रेक जेम्स के सामने ही इंटीमेट होने लग गए थे, जो कि वही चेन से बंधा था। मगर उसे सोफी का प्लान समझ में आ गया था। रेक फिर सोफी को उल्टे सीधे नामों से बुलाने लगा और उसका राज खोल दिया कि वो विस्ली के साथ भी रिलेशनशिप में है, और वो वहां से चला गया। जेम्स ने यह सुनकर सोफी की तरफ देखा तो सोफी ने बोला कि रेक बस बातें बना रहा है और सोफी बस उन्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहती है। सोफी फिर अपने आसपास देखने लगी ताकि उसे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि वो अपने रस्सी काटकर खुद को आजाद कर ले। इसके बाद में सीन विस्ली पर आता है, जो कि पास के फार्मलैंड नाम के एक गांव में मदद लेने के लिए आया हुआ था, बिना ये जाने कि वो जगह बंद है और वहाँ कोई भी नहीं रहता है। लिंसे भी वहां पर आकर अपने गन के साथ में विस्ली को ढूंढने लगा, मगर विस्ली लिंसे को बेहोश करके वापस ट्रक के पास आ पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि लिंसे पहले ही ट्रक की चाबी निकाल कर ले गया है और उसकी कार की चाबी भी लिंसे के पास ही है। विस्ली वापस गांव में आया, मगर वो नशे के कारण बिल्कुल होश में नहीं था, जिससे कि लिंसे ने उसे ढूंढ कर बेहोश कर दिया। नेक्स्ट सीन में रेग अपनी क्रश बेक्स की फोटो देखकर खुद को प्लेजर दे रहा था, मगर अचानक उसने गुस्से में बेक्स की सारी फोटोज फाड़ दी। वो गुस्से में बाहर आया और लिंसी को इनाम में मिला कद्दू तोड़कर अपने काम पर चला गया। यहाँ हम देखते हैं कि सोफी बार बार जेम्स को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर खुद को आजाद करने के बजाय जेम्स पूछता रहा कि सोफी ने उसे धोखा क्यों दिया है। सोफी इसका जवाब देना चाह रही थी, मगर जेम्स ने उसे न सुनना अच्छा समझा। पर सोफी ने उसे चुप करा कर ये बताया कि वो अच्छी गर्लफ्रेंड बन बनकर थक गई है और वो जेम्स के हिसाब से नहीं रहना चाहती। और जेम्स को ये भी समझना चाहिए कि सोफी खुद भी कुछ करना चाहती है। फिर अगले सीन में एक पुलिस वाले ने गाड़ी तेज चलाने के कारण लिंसे को रोकने की कोशिश की, मगर पता चला कि लिंसे उस पुलिस वाले बुरके को जानता है। बुरके ने उन्हें बताया कि उसने कुछ दूरी पर ही कार क्रैश देखा है, मगर उसे उस कार का ड्राइवर नहीं मिला। उसने फिर लिंसे से सवाल किया, लेकिन लिंसे ने अपनी बात पलट दी। बुरके ने बताया कि उसने उनकी कंपनी की एड देखी है, जिससे कि वो हंस पड़ा और इसे सुनकर लिंसे को शर्म आ गई। और जैसे ही बुरके वहां से जाने वाला था, उसे लिंसे के कार से कुछ आवाजें आई। उसने लिंसे से उस बारे में पूछा तो लिंसे ने बताया कि वो एक घायल जानवर है जो कि आवाज कर रहा है। दोनों जाने ही वाले थे, लेकिन इतने में विस्ली ने मदद के लिए आवाज लगा दी, जिस पर बुरके ने लिंसे से डिक्की खोलने को कहा। बुरके को डिक्की में से विस्ली मिल गया, मगर तभी लिंसे ने बुरके पर ही हमला कर दिया। यह जिस शेड में सोफी और जेम्स बंधे हुए थे, जेम्स की चेन ढीली पड़ने लगी थी, जिससे कि वो नीचे रखे हुए पानी में डूबता जा रहा था। तभी रेग वहां पर आया, जिस पर सोफी ने उसे जेम्स की मदद करने के लिए बोला, मगर रेग ने उसे कुछ भी बोले नहीं दिया। रेग ने बताया कि अब उसका मन बदल गया है और अब वो अपने भाई से बात करेगा। अब उसी समय जेम्स की चेन फिसलती है, मगर रेग ने उससे बचकर उसके मुंह की पट्टी हटा दी थी। और मुंह खुलते ही जेम्स भी सोफी को उल्टे सीधे नामों से बुलाने लग गया था, जिससे कि रेग को गुस्सा आ गया और वो जेम्स को मारने लगा। यहाँ पर लिंसे ने वापस आकर अपना कद्दू देखा और रेग को बाहर बुलाया। फिर रेग भी बाहर आकर ये कहने लगा कि अब वो लिंसे की बातों में नहीं आएगा, मगर लिंसे ने चिल्लाकर बोला कि रेग हमेशा उसके किए को साफ करता है। फिर लिंसे ने रेग से उसकी कार के सामान को ठिकाने लगाने को बोला, इस पर रेग ने उसकी डिक्की में विस्ली को पाया। विस्ली ने रेग को शूट करने की कोशिश की, मगर उसका निशाना चूक गया था, जिससे गुस्से में आकर लिंसे ने उसे अपनी कुल्हाड़ी से ही मार दिया। लिंसे ने फिर विस्ली और रेग को ट्रक में बंद करने का सोचा, पर वहां पर उनकी आंटी नैन्सी आ गई थी। रेग ने विस्ली को अपना रुमाल दिया ताकि विस्ली अपने जख्म बांध ले। वो लिंसे से खुद को बाहर निकालने को कहने लगा। उसने विस्ली से दोनों को बाहर निकालने का वादा किया और कहा कि विस्ली को परेशान नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जेम्स सोफी से उसके दिए धोखे के बारे में पूछ रहा था, मगर सोफी ने उसे सब कुछ भूल जाने को कहा। दूसरी तरफ लिंसे नैन्सी से बात कर रहा था, जहाँ पर नैन्सी ने रेक से मिलने को बोला, मगर लिंसे ने उसे रुकने को कहा ताकि वो जाकर रेक को ले आए। इधर ट्रक में विस्ली रेक से बुरा बर्ताव करने के लिए माफी मांग रहा था और वहाँ पर लिंसे चाहता था कि नैन्सी जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए। नैन्सी ने कहा कि वो यहाँ पर बस कद्दू लेने आई है और फिर वो चली जाएगी। नैन्सी फिर लिंसे को आराम करने का कहने लगी, क्योंकि वो बहुत परेशान था। यहाँ पर शेड में सोफी को भी एक फोन मिला, जिससे वो मदद बुलाना चाहती थी, मगर वो ऐसा करने में नाकाम रही। विस्ली और रेग जैसे तैसे ट्रक से बाहर आए और उन्होंने सोफी और जेम्स को भी छुड़ा लिया था, जिस पर जेम्स विस्ली से उसकी गर्लफ्रेंड चुराने के लिए लड़ने लगा। पर रेग ने उन्हें शांत करा और कहा,
कि उन्हें अब सब कुछ भूल जाना चाहिए। रेग फिर लिंडसे से चाबी लेने जा रहा था, जिस पर सोफी उससे बहुत इम्प्रेस हुई। रेग फिर घर में आया और देखा कि नैंसी भी वहीं है। नैंसी बात कर रही थी और वो जानती है कि लिंडसे रेग की कितनी फिकर करता है, और उसने नैंसी और लिंडसे को एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हुए देख लिया था। वो अपने आंटी और छोटे भाई के इस सीन के बारे में न सोचते हुए बस कार की चाबी लेकर वहां से निकलना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर नैंसी का कुत्ता विस्ली का कटा हुआ हाथ लेकर नैंसी के पास आ गया, जिससे कि नैंसी चिल्ला पड़ी। विस्ली कुत्ते के पीछे अपना हाथ वापस लेने के लिए आया, मगर नैंसी ने उसे गोली मार दी। अब रेग भी उस कमरे में आकर नैंसी के सामने लिंडसे की सारी असलियत बता दी। उसने नैंसी से पुलिस को बुलाने को कहा और बोला कि मॉर्गन भाई अपने आप को गिरफ्तार करवा रहे हैं। नैंसी भी इससे पुलिस बुलाने जा रही थी, मगर लिंडसे ने उसे फिर भी मार दिया। वो फिर रेग को मारने आगे बढ़ा, मगर नाकाम रहा, जिसका फायदा उठाकर रेग ने लिंडसे पर हमला कर दिया। वो भागकर शेड में आया क्योंकि उसे चाबी मिल गई, मगर शेड खाली था। और इतने में लिंडसी भी पीछे से आया और दोनों भाई में लड़ाई हो गई, जहाँ पर रेग ने लिंडसी को गिरा दिया, मगर लिंडसी ने उठकर रेग कोई फर्टिलाइजर मशीन में बांध दिया था। वो अब रेग को अपने नए फर्टिलाइजर में इस्तेमाल करने वाला था, पर इतने में सोफी ने आकर लिंडसी को रोकने की कोशिश की, और उसका ध्यान हटते ही रेग ने लिंडसी को पकड़ा और फर्टिलाइजर मशीन में डालकर मार डाला। रेग ने फिर वो रिंग निकाली जो उसे विस्ली के पास मिली थी, और सोफी ने भी उसे अपना लिया।